Good morning, dear students. Today I am explaining you chapter number 1 of unit 1 in English literature. First you have to open the book, page number 9, and let's start reading. The topic name is My Mother. God could not be present everywhere, so He made mothers. भगवान हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मदर्स को बनाया. Just think and reflect what work your mother does every morning. जरा सोचो और ध्यान दो कि आपकी मम्मी पूरे दिन में क्या क्या काम करती हैं, आपके लिए क्या क्या करती हैं. Why every child's mom is a superwoman? ऐसा क्यों होता है कि हर बच्चे के लिए उसकी जो माता होती हैं, वो एक सुपरवुमन की तरह होती हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ देती हैं और उनकी हर काम में हेल्प करती हैं. तो इसी से रिलेटेड ये एक छोटी सी स्टोरी है. वट एवर सेंचुरी इट मे बी, मदर्स कंटिन्यू टू रिमेन द सेम, केयरिंग एंड अफेक्शनेट. केयरिंग मीन्स होता है देखभाल करने वाला, एंड अफेक्शनेट मीन्स होता है जो प्यार करने वाला होता है, लविंग पर्सन होता है. कि कोई सी भी शताब्दी रही हो, चाहे कोई सा भी टाइम रहा हो, जो माताएं होती हैं वो हमेशा से केयरिंग और अफेक्शनेट ही होती हैं, दूसरों से प्यार करने वाली और उनकी देखभाल करने वाली होती हैं. माय मदर वॉज अ ब्यूटिफुल, फेयर एंड एलिगेंट मीडियम साइज प्लम पर्सन. अब राइटर कहता है कि जो मेरी मम्मी थी वो बहुत ही सुंदर, फेयर एंड एलिगेंट. एलिगेंट मीन्स होता है जो शिष्ट होता है, व्यवहार कुशल होता है. मीडियम साइज प्लम पर्सन, प्लम पर्सन मीन्स होता है एक स्वस्थ व्यक्ति. दो इन दोज डेज देयर वर नो ब्यूटी एनहेंसिंग क्रीम्स, माय मदर रिमेन्ड द मोस्ट फेयर एंड अ लवली वन. कि उन दिनों, पुराने समय की जब बात है, उन दिनों कोई ऐसी क्रीम नहीं होती थी कि बहुत ज्यादा चेहरे को निखार दें, फाउंडेशन टाइप, इस टाइप की कोई चीज नहीं होती थी, लेकिन तब भी मेरी मम्मी बहुत सुंदर लगती थी. She used to always wear a saree very quickly. Her nimble fingers could adjust its plaits in a fraction of a second. मेरी मम्मी बहुत स्पीडली साड़ी बांध लेती थी और बहुत अच्छे से. वो ज्यादातर साड़ी पहनना ही पसंद करती थी. Now come on next paragraph. Her only makeup used to be a big silver stick on bindi and a dash of Charmis cream. मेरी मम्मी जो थी वो ज्यादातर क्या यूज करती थी, एक शिल्पा बिंदी लगाती थी वो माथे पर, एंड चार्मिस क्रीम, और थोड़ी सी वो क्रीम लगाती थी चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, बहुत थोड़ी सी. जो आयुर्वेदिक क्रीम आती थी उस टाइम, वो उनको यूज करती थी. लिपस्टिक शी डिटेस्टेड, जो लिपस्टिक थी वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उन्हें लिपस्टिक लगाना पसंद ही नहीं था. शी हैड एन अनएंडिंग सर्च फॉर नॉलेज, दिस मेड हर रीड हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर एंड संस्कृत, ऑल थ्री विद ईज. उनकी उनको ना नॉलेज लेने का बहुत शौक था हर टॉपिक पर, तो पढ़ने का बहुत शौक था. तो उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ा, इंग्लिश लिटरेचर उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा, और संस्कृत भी उन्होंने काफी अच्छे से पढ़ा. म्यूजिक वॉज हर फोर्ट. फोर्ट मीन्स होता है जो बेस्ट क्वालिटी होती है किसी पर्सन की, उसे फोर्ट बोल देते हैं. म्यूजिक जो थी वो उनकी बेस्ट क्वालिटी थी. आर्टिस्टिक, क्रिएटिव एंड रिलीजियस, शी सैंग सेल्फ कंपोज्ड हिम्स. हिम्स कहते हैं जो भजन होते हैं, भगवान जी के जो गाने होते हैं उनको बोलते हैं. एट एवरी सत्संग हर पेटाइट फिंगर्स प्लेड द हारमोनियम फ्लॉलेसली. वो जब भी कहीं सत्संग में जाती थी तो अपनी सुंदर सुंदर फिंगर्स से हारमोनियम प्ले करती थी और भगवान के भजन गाया करती थी. कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ. माँ ऑलवेज लाइक्ड होम्योपैथिक मेडिसिन, शी बिलीव इन होम्योपैथी मोर देन एनीवन एल्स. वो होम्योपैथिक की नॉलेज रखती थी और उन्हें होम्योपैथिक की दवाई ही बहुत ज्यादा पसंद थी, उसी पे वो विश्वास रखती थी. द स्वीट ग्लोब्यूल्स हेल्प्ड हर इन ब्रिंगिंग अप हर चिल्ड्रन स्मूथली. वो अपने बच्चों को भी होम्योपैथिक की जो दवाई होती है उससे सही कर देती थी. ग्लोब्यूल्स एक वर्ड है यहाँ पर. ग्लोब्यूल्स मीन्स होता है जो होम्योपैथिक की गोली होती है, स्मॉल राउंड पिल्स कहते हैं जिन्हें, वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं. देखिए यहाँ पर भी है, ग्लोब्यूल्स मीन्स होता है स्मॉल राउंड पिल्स, छोटी छोटी जो गोलियां होती हैं होम्योपैथिक की, वो अपने बच्चों को देती थी. और उनके बच्चे अगर बीमार होते थे तो बहुत जल्दी से सही हो जाते थे, क्योंकि बच्चों को कड़वी दवाइयां बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं. शी स्टडीड होम्योपैथी डे एंड नाइट. वो दिन रात वो होम्योपैथी के बारे में नॉलेज लेती रहती थी. एंड सेट अप अ डिस्पेंसरी फॉर द पुअर. और उन्होंने क्या किया, जब उन्हें पूरी नॉलेज हो गई तो उन्होंने एक डिस्पेंसरी पुअर लोगों के लिए खोला. इट मीन्स क्लिनिक, एक क्लिनिक खोला उन्होंने गरीब लोगों के लिए. शी वर्क एज एन ऑनररी डॉक्टर एट अ रेड क्रॉस होम्यो क्लिनिक. उन्होंने एक बहुत ही सम्माननीय डॉक्टर के रूप में काम किया एट रेड क्रॉस होम्यो क्लिनिक पर.
आई रिमेम्बर वंस, अब राइटर कहते हैं कि आई रिमेम्बर, वो अपनी मम्मी के बारे में बात कर रहा है और कहते हैं मुझे याद है वंस शी हैड ट्रीटेड अ चाइल्डलेस कपल, एक बार उन्होंने ट्रीट किया था एक चाइल्डलेस कपल को। सम ईयर्स लेटर दे केम विद देयर सन टू थैंक मा, उसके कुछ सालों बाद वो मेरी मम्मी को थैंक यू बोलने के लिए आए थे। लाइक ऑल मदर्स शी टू टुक कीन इंटरेस्ट इन कुकिंग, वो बाकी मम्मियों की तरह मेरी मम्मी भी खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। शी मेड द बिटर गार्ड स्वीट एंड सोर, बेसन की बर्फी सॉफ्ट एंड फ्लफी, वो अच्छी अच्छी खाने की चीजें बनाती थी जैसे बेसन की बर्फी, सॉफ्ट ढोकला टाइप, इस तरीके की चीजें बनाती थी। द नेक्स्ट पैराग्राफ, वी वुड ऑफन हेल्प हर इन मेकिंग पापड़ पोटैटो चिप्स एंड बालूशाही, हम भी उनकी हेल्प करना चाहते करते थे जब वो पापड़ बनाती थी, चिप्स बनाती थी आलू के या बालूशाही बनाती थी। शी वुड सेल्डम गेट इरिटेटेड व्हेन वी मेस्ड अप हर वर्क इन ट्राइंग टू हेल्प हर, और क्या होता था, और हमारी डांट पड़ती थी बहुत ज्यादा, वो हमसे इरिटेट हो जाती थी जब वो उनका काम बिगाड़ देते थे। मतलब हम चाहते तो थे उनकी हेल्प करना, लेकिन हेल्प की बजाय होता क्या था, काम और ज्यादा बिगड़ जाता था। आई फेल टू कॉम्प्रीहेंड हाउ मा कुड हैव सो मैनी क्वालिटीज, मैं मतलब समझने में असमर्थ होता हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि एक मम्मी में इतनी सारी क्वालिटीज कैसे हो सकती हैं। शी वुड पेन डाउन हर फीलिंग्स इन अ पोएटिक फॉर्म, उन्हें पोएम लिखना भी बहुत पसंद था, वो अपनी फीलिंग्स को लिखा करती थी। हर पोएम्स एक्सप्रेसिंग मदर्स लव, उनकी जो कविताएं होती थी जो वो पोएम लिखती थी उनमें मदर्स लव हमें देखने को मिलता था। ब्यूटीज ऑफ नेचर, नेचर के बारे में हमें पता चलता था। पेट्रियटिज्म इज अ ग्रेट कलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ कुहू करलव, और वो जो लिखती थी उसकी फॉर्म है कुहू करलव, और उन्हें देशभक्ति से रिलेटेड लिखना बहुत ज्यादा पसंद था, जो कि हम उनकी कविताएं ये सब चीजें पढ़ते थे। द नेक्स्ट पैराग्राफ, आई विविडली रिमेम्बर हर प्राइस पोजिशन अ पाकर पैन विद अ कैप ऑफ गोल्ड एंड हर नेम कुमारी पुष्पा देवी दत्ता रिटन ऑन इट विच वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हर डैड, उनके डैड ने उन्हें एक गिफ्ट किया था, मुझे अच्छे से याद है। एक पार्कर पेन था, उस पर गोल्डन कैप लगी हुई थी और उस पर एक नाम भी प्रिंटेड था, कुमारी पुष्पा देवी दत्ता। एज ए राइट, जब भी मैं कभी लिखता हूँ आई एम सरप्राइज व्हाट अ ग्रेट मॉम वी हैड, कि जब भी मैं उनके बारे में लिखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मतलब कितनी क्वालिटीज थी मेरी मॉम के अंदर। द नेक्स्ट पैराग्राफ, शी हैड अ कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी।